इस वक्त की अहम खबर आपको दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच दो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर जारी है। पहला एनकाउंटर कल से उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में चल रहा है और दूसरा एनकाउंटर केरन सेक्टर में आज से शुरू हुआ है। आतंकियों के साथ एनकाउंटर में दो जवान शहीद हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ खालिद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खालिद, ये जो दो ऑपरेशंस चल रहे हैं, एनकाउंटर चल रहे हैं, इनमें अब तक का अपडेट क्या है? देखिए, अगर हम एनकाउंटर की बात करें जो गुजरपत्ती जिरहामा में कल शाम से चल रहा है, वहाँ स्पुटा के 3 से 5 मिलिटेंट वहाँ हो सकते हैं, किया गया था, लेकिन देर रात जब अंधेरा था तो उसके बीच ही सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन को रोकना पड़ा। लेकिन इसी बीच वहाँ पर एक जवान को वहाँ बुरी तरह से गोली लगी और वो घायल हुए, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो मार्टियर हो गए। और उसके बाद आज कॉन्टैक्ट उसी जगह भी एस्टैब्लिश हुआ है जहाँ केरन सेक्टर नियंत्रण रेखा से बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, मिलिटेंट्स की प्रेजेंस हुई और वहाँ अभी फायर फाइट जारी है। उसमें भी एक 9 सिखलाई का एक जवान जो है उसको गोली लगने से उसकी मौत होगी, वो मार्टियर हो गया। लेकिन अगर हम जिरहामा की बात करें, वहाँ जिस एनकाउंटर में भी एक जवान शहीद हुए, किसी आतंकवादी के मारे जाने की खबर है? अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कोई मिलिटेंट जो है उसको मार गिराया गया हो, लेकिन कोशिश ये है जो कि आईजीपी कश्मीर ने कहा कि दोनों जगहों पर जो इनपुट्स हैं उनके पास, जितने तादाद में मिलिटेंट छुपे हैं, उन सबको न्यूट्रलाइज करने के बाद ही ऑपरेशन को ओवर किया जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद इस पूरी जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में दो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर चल रहे हैं, जैसा कि हमारे संवाददाता खालिद ने बताया। पहला एनकाउंटर कल से ही उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में चल रहा है और दूसरा एनकाउंटर केरन सेक्टर में आज से शुरू हुआ। दो जवान शहीद हुए हैं।